रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया ने भले ही न्यूजीलैंड के खिलाफ हैदराबाद में खेला गया पहला वनडे इंटरनेशनल मैच 12 रन से जीत लिया, लेकिन एक खिलाड़ी ऐसा भी है जो भारतीय टीम के लिए एक जीत में भी सबसे बड़ा विलन साबित हुआ है। कप्तान रोहित शर्मा ने इस खिलाड़ी को मौका देकर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है, लेकिन रोहित शर्मा की कप्तानी वाली टीम ने जैसे तैसे कर इस मैच को 12 रन से जीत दिलाकर एक शर्मनाक हार को टाल दिया। कप्तान रोहित शर्मा ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे इंटरनेशनल मैच में ऑफ स्पिनर वाशिंगटन सुंदर को मौका देकर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। ऑफ स्पिनर वाशिंगटन सुंदर ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे इंटरनेशनल मैच में 7 ओवर की गेंदबाजी में 50 रन लुटा दिए हैं। इस दौरान वाशिंगटन सुंदर को एक भी विकेट नसीब नहीं हुआ। वाशिंगटन सुंदर के अगर रिकॉर्ड पर नजर डाले तो उन्होंने पिछली 10 वनडे इंटरनेशनल पारियों में केवल 10 विकेट लिए हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे इंटरनेशनल मैच में ऑफ स्पिनर वाशिंगटन सुंदर की फ्लॉप गेंदबाजी के कारण टीम इंडिया हारते हारते बची है। ऐसे में कप्तान रोहित शर्मा न्यूजीलैंड के खिलाफ 21 जनवरी को रायपुर में होने वाले दूसरे वनडे इंटरनेशनल मैच में बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेंगे। ऐसे में कप्तान रोहित शर्मा ऑफ स्पिनर वाशिंगटन सुंदर को प्लेइंग 11 से ड्रॉप कर देंगे। न्यूजीलैंड के खिलाफ 21 जनवरी को रायपुर में होने वाले दूसरे वनडे इंटरनेशनल मैच में कप्तान रोहित शर्मा ऑफ स्पिनर वाशिंगटन सुंदर की जगह बाएं हाथ के स्पिनर ऑलराउंडर शहबाज अहमद को हर हाल में मौका देंगे। शहबाज अहमद की बाएं हाथ के खतरनाक गेंदबाज न्यूजीलैंड के लिए बल्लेबाजों के लिए काल साबित हो सकता है। दोस्तों, अगर आप भी क्रिकेट देखना पसंद करते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल एके लाइव स्टूडियो को आप जरूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।